favor, Government Autonomous PG College, Satna, Madhya Pradesh. महामारी के वक्त आपने मास्क, खाद्य सामग्री, सैनिटाइजर वितरित किए, सामाजिक मुद्दों पर जागृति की मशाल जलाई. प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना हो या जनधन योजना, सभी के बारे में लोगों को जागरूक करती रही. सुश्री अर्चना कुशवाहा, NSS स्वयंसेवक. सतना की बेटी अर्चना कुशवाहा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय सेवा योजना से किया पुरस्कृत. 40 लाख से स्वयं सेवकों में से हुआ सिलेक्शन. 40 से अधिक सम्मानों से नवाजी जा चुकी हैं अर्चना. नमस्कार, मैं मीरा पांडे और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज. अर्चना ग्राम अमकुई निवासी कृषक राम अवतार कुशवाहा की सुपुत्री है. शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयं सेवक एवं हिंदी साहित्य की छात्रा अर्चना का चयन उनके द्वारा किए गए शिक्षा के साथ साथ स्वयं शैक्षिक सामाजिक सरोकार के कार्यों और राष्ट्र निर्माण के कार्यों के लिए किया जाता है. अर्चना ने विगत वर्षों में स्वास्थ्य वृक्षारोपण, रक्तदान शिविर, नेत्र शिविर, एड्स जागरूकता, पर्यावरण जागरूकता, मतदाता जागरूकता एवं अन्य जागरूकता कार्यक्रमों में सहभागिता निभाकर उत्कृष्ट कार्य किए. अर्चना का चयन 40 लाख से अधिक स्वयं सेवकों में से हुआ है. 24 सितंबर को महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा अर्चना को राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया गया. अर्चना को अभी तक सतना जिले में 40 से अधिक सम्मानों से नवाजा जा चुका है. अर्चना ने इस उपलब्धि के लिए डॉक्टर आर के विजय राज, NSS अधिकारी मध्य प्रदेश शासन, डॉक्टर CM तिवारी, कार्यक्रम समन्वयक राष्ट्रीय सेवा योजना अवधेश प्रताप सिंह, विश्वविद्यालय रीवा, शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर RS गुप्ता, गुरुमा डॉक्टर क्रांति मिश्रा, राष्ट्रीय योग जिला संगठन, कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर भास्कर चौरसिया, मध्य प्रदेश ETI के प्रशिक्षक एवं कार्यक्रम अधिकारी मुक्त इकाई बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल, राहुल सिंह परिहार एवं अपने माता पिता को श्रेय दिया. अर्चना का कहना है कि केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा बेटियों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं की बदौलत मैंने आज इस मुकाम को हासिल किया है. इसके लिए सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद. अर्चना की इस उपलब्धि के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में अपनी राय जरूर दें. तब तक के लिए बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ. धन्यवाद.